लॉकडाउन के बीच कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों के मरीजों को इलाज में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में चिकित्सा विभाग की ओर से नई व्यवस्था ऑनलाइन टेली कंसल्टेंसी सेवा शुरू की है, जिसकी औपचारिक शुरुआत सोमवार सुबह 11 बजे की जाएगी। इसको लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार कोविड जैसी महामारी के बीच प्रदेश की जनता को अन्य बीमारियों से परेशान नहीं होने देगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल की लॉन्चिंग की जा रही है। इस सुविधा से मरीज घर बैठे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय सेवाएं निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। इससे कोई भी व्यक्ति सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक 30 डॉक्टरों के माध्यम से सामान्य बीमारियों के लिए टेली कंसल्टेंसी सेवाएं प्राप्त कर सकता है। देखिए, लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, कई जगह कर्फ्यू लगा हुआ है, तो लोगों को जो अलग अलग बीमारी से ग्रसित है या अपना इलाज कराना चाहते हैं, उनको कठिनाई तो हो ही रही है। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा 400 से ज़्यादा मोबाइल ओपीडी वैन का संचालन किया गया है, ताकि प्रदेश में जगह जगह जाकर हमारे डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की टीम उनके इलाज को सुनिश्चित कर सके। उसके अलावा अब टेली मेडिसिन के लिए भी 4 तारीख से एक सुविधा शुरू की गई है, जो esanjeevaniopd.in वेब पोर्टल के माध्यम से है। ये राज्य में 100 से ज़्यादा चिकित्सा संस्थानों में ये सुविधा उपलब्ध होगी। 8 बजे से 2 बजे तक कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, उनको OTP नंबर मिलेगा और उसके बाद में ई प्रेस्क्रिप्शन के माध्यम से उनको दवा या जो भी उनका ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किया जाएगा। ये 240 लोगों को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है। तो राजस्थान के जो लोग घर में बैठ के अपनी चिकित्सा करवाना चाहते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये esanjeevaniopd.in वेब पोर्टल नई शुरुआत राज्य के द्वारा की गई है और मुझे उम्मीद है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लोग